इस वीडियो में हम क्लास सिक्स की जो हमारी हिंदी की बुक है मलार, उसका चैप्टर 10 पढ़ेंगे और ये चैप्टर 10 का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया था। तहलका मतलब शोर मचा दिया था, ठीक है। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे, मतलब तरह तरह के लोग आने लगे देवगढ़ में, ठीक है, इस पद के लिए। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नई फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। रंगीन इमामे, चोंगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटॉप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो थी ग्रेजुएट लोगों की थी, क्योंकि सनंद की कैद न होने पर भी सनंद से पर्दा तो ढका रहता है। फिर यहाँ पर आगे बोला है, सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता, मतलब वो अपनी बुद्धि के अनुसार अपने जो जीवन है उसको दिखाने का प्रयत्न करता, कोशिश करता। मिस्टर अ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर द, स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मिस्टर ल को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। लोग समझते थे कि एक महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है, ठीक है। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जोरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है, कि इनमें से अच्छा जो है, मतलब इन बगलों में से जो हंस है वो कौन है, कहाँ छिपा हुआ है। तो ये पार्ट 3 है कि एक दिन एक नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। अप्रेंटिस का मतलब होता है जो सीखने वाला व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानूस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे, बड़ों के खेल शतरंज ताश के समझे जाते थे, और जो दौड़ कूद के खेल थे वो बच्चों के खेल को समझा जाता था। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तरतर हो गए, खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए। बेदम मतलब दुर्बल होना, ठीक है, बेदम का मतलब होता है दुर्बल होना। लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से ज़रा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे।
कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। तो एक किसान आता है जो जिसकी गाड़ी जो है किससे भरी होती है, अनाज से भरी होती है। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर थे। कभी तो वो बैलों को बोलता, कभी वो पहियों से हाथ को आगे की ओर खिसकाता, पर बोझ ज़्यादा होने की वजह से वो बैल जो थे वो कमज़ोर थे। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नज़र न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था, आपत्ति यानी परेशानी। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। ठीक है, किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। उसने बड़े ही दुख भरी आंखों से देखा, लेकिन पर उसने किसी से मदद नहीं मांगी। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मतलब घमंड था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। उदारता और वात्सल्य मतलब प्रेम, दया भाव कुछ नहीं थी। वो बिल्कुल उसको देख के साथ से गुजर जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगला पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।